ओसाका के योदोबाशी कैमरा के सामने। और योदोबाशी कैमरा जो है वो जो ओसाकाए हैं उनको योदोबाशी कैमरा के बारे में ना पता हो या फिर वो यहाँ पर ना आए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ही फेमस और एक मैं ये कह सकता हूँ कि ओसाका का एक कल्चर में आता है कि योदोबाशी कैमरा हमें जाना ही जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में कैमरा से लेकर वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एवरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एक पेन ड्राइव से लेकर होम अप्लायंसेस, बड़े बड़े होम अप्लायंसेस तक आपको सब कुछ मिलेगा। तो वर्क कल्चर मतलब जापान के नॉर्मल कल्चर के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो, और वो भी सस्ते, बहुत ही सस्ते, अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो इंडिया से भी कंपैरिजन में आपको सस्ते इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और बहुत अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इसका नाम है ओसाका योदोबाशी कैमरा। इस टाइम मैं आया हूँ ओसाका के निशियाकाशी नाम की जगह पर, और ये जो जगह है ये एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पर अलग अलग तरह से आपको जापान के कल्चर के बारे में सीखने को मिलेगा, और जापान के कल्चर में सिर्फ ओचा, सादो ये सब ही नहीं आता, कंटेम्प्रेरी बिल्डिंग्स और कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी भी आती है। ओसाका में अगर आप देखेंगे तो आपको वेरियस मतलब अलग अलग तरह के कल्चर मिलेंगे। ओसाका में सिर्फ आपको जापनीज कल्चर ही नहीं, ब्रिटेन का, यूएस का और इनफैक्ट इंडिया का भी कल्चर देखने को मिलेगा, जैसे कि इंडियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे हैं। और जैसे कि इस टाइम जो निशियाकाशी एरिया है, ये एरिया स्पेशली फेमस है जापनीज़ और इंडियन क्यूजीन के लिए। मतलब ये जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ये किस तरह से अपने डिशेस को, अपने फूड को फेमस करते हैं, ये आपको जापान में देखने को मिलेगा। देखिए जापान में सबसे अच्छी चीज़ आपको दिखेगी मार्केटिंग। मार्केटिंग किस तरह से की जाती है, मार्केटिंग का क्या तरीका होता है, एड्स को किस तरह से लगाया जाता है, एड्स को किस तरह से दिखाया जाता है लोगों को, ये देखने को मिलता है जापान में। एक चीज़ और बहुत फेमस है, जैसे कि अभी मैं फूड की बात कर रहा था, तो फूड में फूड को किस तरह से प्रमोट किया जाता है, ऐसे प्रमोट किया जाता है कि एक टूरिस्ट फूड को टेस्ट करके ही जाए, और फूड के बारे में बताने के लिए काफ़ी कुछ है। जापनीज़ फूड ही नहीं, आपको यहाँ पर चाइनीज़ फूड, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी सारे मिलेंगे, जो कि आपको ये भी एक्सपीरियंस देंगे कि किस तरह से जापनीज़ लोग अलग अलग तरह के क्यूजीन, अलग अलग तरह के फ्लेवर्स को कुफू करके, कुफू का मतलब होता है एडजस्टमेंट करके, अपनी डिश बना लेते हैं और उसके बाद कस्टमर्स को बेचते हैं। तो आज हम और भी कुछ देखने वाले हैं, जैसे कि साकुरा, इस टाइम अप्रैल चल रहा है और साकुरा हानामी के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश है अब मैं आपको साकुरा हानामी दिखाना चाहता हूँ, जिसमें ये देखने को मिलेगा कि चेरी ब्लॉसम कितना ब्यूटीफुल होता है और चेरी ब्लॉसम में लोग किस तरह से एंजॉय करते हैं, लोग किस तरह से साथ में बैठ के पार्टी करते हैं, ये भी हम देखेंगे। साकुरा के सीज़न में और भी अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं, और अलग अलग तरह से जापान में फूलों को उगा के यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से ब्यूटी, मतलब नेचर और टेक्नोलॉजी, नेचर और कंटेम्प्रेरी बिल्डिंग्स किस तरह से मिक्स्ड हैं, किस तरह से मिली हुई हैं, ये भी जापान में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे निशियाकाशी का पूरा व्यू आप देख रहे हैं, और मैकडॉनल्ड्स, KFC और भी अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट्स यहाँ पर हैं। मेरे पीछे है उमेदा, ये जो जायंट व्हील आप देख रहे हैं, जो रेड कलर का व्हील आप देख रहे हैं, ये अभी इस वीडियो में तो शायद छोटा सा ही दिख रहा होगा, लेकिन असली में इस व्हील पर चढ़ के अगर आप ओसाका को घूमते हैं, ओसाका को देखते हैं, तो पूरा ओसाका, इवन आपको समुद्र भी आपको दिखता है, और टॉप पर जब ये व्हील पहुंच जाता है तो बहुत डर भी लगता है। एनीवेज ये भी एक तरह की अट्रैक्शन है, अगर आप ओसाका या जापान घूमने आते हैं। अलग अलग जगहों पर आपको ये कानरानशा मिलेगा, इसको कानरानशा बोलते हैं, और अब यहाँ पर फॉरेनर्स भी काफ़ी आने लग गए हैं, और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी जापान में काफ़ी बढ़ गई हैं।
सो ऑल द बेस्ट. लेकिन फिर से मैं ये कहूँगा कि जापनीज़ लैंग्वेज की बहुत बहुत ज़रूरत होती है, इतना भी इसको सीखना मुश्किल नहीं होता. मेरे पहले के वीडियोज़ देखिए जिसमें मेरी पूरी कोशिश है बताने की कि लैंग्वेज सीख के आप जापान में जॉब करके पैसा भी कमा सकते हैं, इंटरनेशनल कल्चर भी सीख सकते हैं और अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं. जापनीज़ लैंग्वेज और जापान की कल्चरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जितनी भी नॉलेज, जितनी भी इन्फॉर्मेशन, मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस चैनल पर आपको देने के लिए. कीप फॉलोइंग निहोंगो मैक्स. थैंक यू सो मच.